आज हम लोग सीखेंगे पेज मेकर में पेज का बॉर्डर कैसे लगाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पेज मेकर में इस तरह का बॉर्डर कैसे लगाते हैं। नया पेज ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले पेज का बॉर्डर लगाने के लिए एमएस वर्ड को खोलते हैं, कोई भी वर्सन हो। खुल गया है। यहां देखिए डिजाइन मेनू, डिजाइन मेनू में जाने के बाद यहां लास्ट में पेज बॉर्डर है। इसके बाद यहां आइए और इसमें जिस तरह का भी आपको डिजाइन में लगाना चाहते हैं उस तरह के डिजाइन में आप लगा सकते हैं। जैसे यहां पर हम लोग तितली को लगाए थे, ओके करेंगे। देखिए यहां पर लग गया है। इसको पेज मेकर में कैसे ले जाएंगे, तो इसको हम अब सेव करेंगे। डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं, इसको नाम कुछ भी दे दिए, NIC। लेकिन यहां क्या करना है, यहां पर आप PDF ही लेंगे, PDF सेव करेंगे। चलिए सेव हो गया, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अब देखिए पेज मेकर में बॉर्डर कैसे लाते हैं। प्लेस पर जाएंगे, इसके बाद NIC नाम था, NIC PDF, ओके करेंगे। इसके बाद आप ओके करेंगे, इसके बाद जितना में आपको लाना है उतना में आप ड्रैग कर दीजिए। देखिए कितना आसानी से, कितना अच्छी तरह से इसमें पेज का बॉर्डर लग गया है, जो बहुत ही खूबसूरत और डिजाइन में है। इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं और इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहेंगे, जैसा भी डाटा बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं। जैसे कुछ भी हम बनाएंगे, इसको हेडिंग कर देते हैं। लाइनिंग है, लाइनिंग का डिजाइन भी कर सकते हैं। स्ट्रोक में है डिजाइन। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का पंपलेट आप बना सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।